ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत चालानी कार्रवाई पेपर और रसीद से की जाती है, लेकिन अब दुर्ग पुलिस पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रही है। आखिर क्या है एक पेपरलेस चालान, देखें दुर्ग से इस खास खबर में। यातायात नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों से चालान वसूलती है, जो राजकोष में जमा होता है, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस के जवान रोड के किनारे खड़े होकर पेन और पेपर से चालान काटते देखे जा सकते हैं। लेकिन अब दुर्ग ट्रैफिक पुलिस आधुनिक और पेपरलेस होने जा रही है। बॉर्डर सिस्टम के तहत दुर्ग पुलिस को 35 ई चालान डिवाइस मशीन से चालानी कार्रवाई पूरी तरह कैशलेस हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से नियमों का उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करके सीधे उनके घर चालान भेजी जाएगी। इसके लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। डिवाइस को कैसे डिजाइन किया गया है, जिसमें वाहन का नंबर डालते हैं, उसके मालिक की सारी जानकारी आ जाएगी। डिवाइस से वाहन चालकों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ QR कोड के जरिए भी चालान की राशि जमा हो जाएगी। दुर्ग पुलिस को SBI के सहयोग से ई चालान डिवाइस मिला है, जिसके अंतर्गत मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन भी डिवाइस में होगा। ट्रैफिक DSP सतीश ठाकुर ने बताया कि वाहन चालकों के वाहन की जानकारी मशीन में एंट्री करते ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसे ये भी पता चलेगा कि क्या इसके पहले भी कभी उस वाहन चालक का चालान बना है या नहीं। उन्होंने कहा कि पहली बार होगा जब दुर्ग में भी डिवाइस से चालानी कार्रवाई होगी। डिवाइस को NIC RTO और बैंक से कनेक्ट किया गया है। इस सिस्टम से ट्रैफिक पुलिस का समय भी बचेगा और आसानी से चालान की कार्रवाई की जा सकेगी। ई चालान डिवाइस के माध्यम से अभी तक हम लोग मैनुअली चालान करते थे, किंतु यातायात पुलिस दुर्ग लगातार अपने आप को अपडेट करते आ रही है। अब ई चालान डिवाइस के माध्यम से हम लोग चालान करेंगे। ऐसे वाहन चालक जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उसका हमको सभी जानकारी उपलब्ध रहेगा। ये डिवाइस NIC से, SBI, ट्रेजरी, RTO और न्यायालय से, ये सभी से इंटीग्रेटेड है। और कोई भी वाहन का हम यदि उसमें नंबर डालते हैं तो उसका पूरा डिटेल हमको पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जितने प्रकार के वॉयलेशन है वो सभी डिटेल इसमें अपलोड है। और जो वॉयलेटर है यदि वो QR कोड के माध्यम से या फिर ATM डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है तो वो भी सुविधा उपलब्ध है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट।